किसान भाइयों, मैं नरेश सिकरा फ्रॉम इंडियन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल हरियाणा सोनीपत का रहने वाला हूँ। आपने देखा बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो किसानों के ट्रैक्टर वगैरह दिखाते हैं, यूट्यूब पे उनका वीडियो बना के डाल देते हैं केवल डॉलर कमाने के लिए। लेकिन मैं एक किसान का पुत्र हूँ और अपने पंजाब से आए किसानों के साथ हूँ, इनकी हर तरह से हेल्प भी कर रहा हूँ और इनके साथ मैं धरने पर भी बैठा हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ जितने भी यूट्यूबर अपने हरियाणा के हैं सभी आए और इनके पास इनके साथ रहें ताकि हम एकजुट होकर के सरकार से लड़ सके और सरकार ने जो ये 3 काले कानून बनाए हैं इनको वापस लिए और किसानों को राहत मिले। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी यूट्यूबर अपने हरियाणा के हैं सभी आएँ, अपने पंजाब से आए किसान भाइयों का साथ दें, इनको जिस तरह की भी हेल्प की ज़रूरत है, भाई किसी का ट्रैक्टर ख़राब हो गया तो मिस्त्री को बुलाएं, किसी के ट्रैक्टर में डीजल नहीं तो डीजल पुआएं, अगर किसी बंदे के पास राशन खत्म हो गया उसको राशन दे, और उनके साथ अगर हम खड़े रह सकते हैं तो हम खाली यूट्यूबर नहीं हैं, हम किसान के बेटे हैं, हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने हरियाणा के यूट्यूबर हैं, जितने किसान भाई हैं, सभी यहाँ पर आकर पहुँचे। और किसान भाई आप देख सकते हैं जैसे कि पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा TDI मॉल है जो कि रसोई कुंडली बॉर्डर के नज़दीक है, रसोई गाँव के पास में। तो मैं पिछले 2 दिन से यहीं हूँ और इनके लिए इनको मेरे सरदार भाई जो किसान भाई पंजाब से आए हुए, इनको जिस भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है, राशन पानी की, या किसी ने फ़ोन में पैसे पवाने हैं, या फिर किसी ने फ़ोन चार्जिंग लगाना है, जो भी सुविधा इनको मैं दे पा रहा हूँ अपनी तरफ से मैं दे रहा हूँ। और मेरे गांव के कुछ लड़के भी आए हुए हैं जैसे कि अपना भाई सतेंद्र, ये भी मेरे साथ है। जैसे मुझे मेरे किसान भाइयों को ज़रूरत होती है तो मैं इसको गाँव में भेज देता हूँ, इससे वो सामग्री गाँव के थ्रू वहाँ से मंगवा लेता हूँ भाई के थ्रू। अभी मेरे गांव के कुछ लड़के गए हुए हैं जो राशन पानी का सामान लेने के लिए गए हुए थे, हालांकि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये लेके आए हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से जो भी हमारे से बन पा रहे हैं हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं और साथ रहेंगे। हम ये नहीं कि भाई हम केवल यूट्यूबर हैं और केवल किसानों के मतलब ट्रैक्टर दिखाने का ही काम करते हैं, हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं, यूट्यूबर बाद में है, चाहे सरकार प्रेशर दे के हमारा चैनल बंद करा दो, लेकिन हम अपने किसान भाइयों के साथ रहेंगे, यहाँ से उठ के भागने वाले नहीं है जब तक किसान के जो खिलाफ जो सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए जब तक इनको वापस नहीं लेगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूँगा जय जवान जय किसान। तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट अपडेट के साथ किसान आंदोलन में। कैसे ये शुरू कर दिया ऐसा एक चैनल, क्यों ऐसा एक चैनल शुरू कर दिया? अच्छा, क्यों चल गया? मोस्टली जो है किसान भाई ज़्यादातर जो है अनपढ़ होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो किसानों को इस बारे में नहीं पता होता कि भाई हमें कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, कौन से ट्रैक्टर कितनी डीजल खपत है उसकी एक घंटे में, और कितने HP के हिसाब से उसको अपनी ज़मीन के हिसाब से कितने HP का ट्रैक्टर चाहिए। अगर हार्वेस्टर की बात करें या ट्रैक्टर के पीछे जुड़ने वाले इम्प्लीमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसका किसान भाइयों को अगर हम वीडियो बना के एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, या फिर अपने जो इंडियन ट्रैक्टर के नाम से पेज भी है फेसबुक पे, इंडियन ट्रैक्टर के नाम से अपना फेसबुक पेज भी है और इंडियन ट्रैक्टर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो इसी के जरिए हम किसान भाइयों को ज्ञान देते रहते हैं किस डेट में कहाँ पे एग्रीकल्चर मेला लगने वाला है, किस जगह पे जो है नए नए बीज दिखाए जाएंगे नई किस्मों के, तो किस जगह पर नए इम्प्लीमेंट्स लगने वाले हैं और किस तरह से किसान भाइयों को सब्सिडी मिल रही है उसके ऊपर, तो उसके बारे में हम अपडेट करते रहते हैं किसान भाइयों को डे टू डे, और हमेशा अपने किसान भाइयों के साथ रहते हैं। कुछ और पूछना? नहीं, थैंक यू भाई, टेंशन ना ले भाई।